स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपका हमारे चैनल बॉलीवुड रिव्यू में। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका एक सब्सक्राइब दोस्तों हमें यूं ही मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। वहीं बहुत लोग दोस्तों हमारी वीडियो पूरी देख लेते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो हम आपको बॉलीवुड का लेटेस्ट अपडेट यूं ही प्रोवाइड करते रहेंगे। बात करते हैं दोस्तों डबल आई स्मार्ट और गुड़चाड़ी के दोनों के कंपैरिजन, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और क्रिटिक्स के रिव्यू के बारे में। तो जैसा कि दोस्तों पता है ये दोनों ही मूवियों संजय दत्त की एक शानदार मूवी साबित रही है अभी तक। वहीं इस मूवी के जो दोस्तों बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है दोनों के काफ़ी शानदार हमें बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं बॉक्स ऑफिस पर। बात करते हैं दोस्तों डबल आई स्मार्ट के पहले दिन के बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है इस मूवी ने अपने पहले दिन ही रिलीज़ होते से 7.5 करोड़ रुपये की ओपनिंग ले ली थी और अभी इस मूवी का जो कलेक्शन है वो हमें बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों गुड़चाड़ी मूवी के जो कलेक्शन है वो भी हमें बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस मूवी ने भी काफ़ी शानदार ओपनिंग ले ली थी बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस पर और अभी भी इस मूवी के जो कलेक्शन है हमें बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बात करते हैं दोस्तों इन दोनों ही के कास्ट के बारे में। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है डबल आई स्मार्ट में हमें राम पोतिनी, काव्या थप्पड़ और संजय दत्त हमें काफ़ी शानदार एक्टिंग दिखाते हुए हमें इस मूवी में दिखते हैं। वहीं पब्लिक भी इन दोनों को तीनों को दोस्तों अच्छे खासे से पसंद कर रही है और ढेर सारा प्यार भी दे रही है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों गुड़चाड़ी की बात करते हैं तो दोस्तों गुड़चाड़ी में हमें संजय दत्त और रवीना टंडन की काफ़ी शानदार लव स्टोरी देखने को मिलती है और इन दोनों ने ही अपनी एक्टिंग से लोगों का दिल मानो जीत लिया है। वहीं दोस्तों आपकी इन दोनों ही मूवी के बारे में क्या रहा है हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों आपसे ऐसी किसी अमेजिंग मूवी, तब तक लीजिए जय हिंद जय भारत।